देखो, इनइक्वालिटी टाइप के कुछ और सवाल हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। इनइक्वालिटी टाइप के सवाल तुम्हारे सामने आएंगे कब? जब भी तुम्हारे सामने ये कंडीशन होगी कि के की वो वैल्यूज निकालो जिसके लिए तुम्हारे पास रूट्स रियल हो, ठीक है क्या? रूट्स रियल हो या फिर रूट्स एग्जिस्ट करते हो, इस टाइप की चीज अगर तुम्हारे सामने अगर आती है, रूट्स एग्जिस्ट ऐसा, तब फिर तुम क्या बोलते हो? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये चीज, ठीक है बात। तो कभी भी अगर इस टाइप की सिचुएशन, ये वाले वर्ड्स अगर कभी अगर तुम सुनो, देन यू हैव टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी, ठीक है बात। जैसे कि एक सवाल नोट डाउन करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच kx square minus 6x minus 2 equals to 0 has real roots, ऐसा ये एक सवाल है तुम्हारे सामने। अब अगर इसमें इसके रूट्स को अगर रियल अगर होना है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक चीज इसमें होनी चाहिए कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बात। तो उसमें इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली लिखवा दे रहा हूं तुम्हें, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, k, b इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास -6, c इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा -2, ठीक है बात। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है क्या, एज रूट्स आर रियल, ठीक है क्या, ऐसा लिख देना। इसका मतलब क्या होगा? इट इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए हो जाएगा अपने पास के, और सी हो जाएगा अपने पास -2, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये चीज हो जाती है 36 माइनस सॉरी प्लस 8k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बात। अच्छा, इसका मतलब अपने पास सिचुएशन हो जाती है, अगर मैं 4 से अगर डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो तुम्हारे पास आ जाएगी सिचुएशन 2k प्लस 9 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर 9 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो बचेगा तुम्हारे पास 2k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9, और दोनों साइड अगर 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो तुम्हारे पास बचेगा k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2, ठीक है बात। तो इन k की वैल्यूज के लिए, ठीक है क्या, इसमें एक बात ध्यान में रखना, इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व नहीं की जाती है कि ये 9 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इक्वेशन में वो शिफ्टिंग वाली चीज जैसे तुम लोगों ने बचपन में सीख रखी होगी ना, क्लास 2 3 4 से, तब तक हम लोग सीखते आ रहे हैं कि भाई इक्वेशन में अगर एक चीज दूसरे साइड शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये दिखता वैसे ही है। बट यहाँ पर इनइक्वालिटी के केस में ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस वाले अगले स्टेप तक पहुंचने के लिए तुमने दोनों साइड एक्चुअल में इनइक्वालिटी के 9 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 2k प्लस 9 माइनस 9 गिव्स यू 2k, और उधर RHS में, यहाँ पर RHS में तुम्हारे पास ये RHS में 0 माइनस 9 गिव्स यू -9, ठीक है क्या। अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर तुम किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर तुम इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया है इनइक्वालिटी के दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइड साइन चेंज नहीं हुआ, बिकॉज द क्वांटिटी वॉज द क्वांटिटी विथ विच आई डिवाइडेड द इनइक्वालिटी वॉज पॉजिटिव, हेंस द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी डिडंट चेंज, ठीक है क्या। तो ये मेरे पास फॉर दीज वैल्यूज ऑफ के, ठीक है, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ के रूट्स विल बी रियल, ठीक है क्या। तो इसमें आंसर में तुम अपना ये लिखोगे, ठीक है क्या, हेंस फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2, ठीक है क्या, द रूट्स विल बी रियल, ऐसा, ठीक है बा। तो बस तुम्हें जो दिया हुआ जो सिचुएशन है, ठीक है क्या, जैसे कि यहाँ पर दी हुई सिचुएशन है कि रियल रूट्स होने चाहिए, बस उस दी हुई सिचुएशन के साथ तुम्हें कंप्लाई करना है। जो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट के साथ जो बनती है, ठीक है, रियल रूट्स, इसका मतलब भाई रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बस खाली, उसने ये तो कुछ बोला नहीं है कि रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं या फिर इक्वल हैं, ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं है। तो अगर बोला नहीं है तो उसमें या तो ग्रेटर देन 0 होंगे या तो बराबर 0 होगा, तो वो दोनों वाली सिचुएशन अपने को लेकर चलनी है, ठीक है क्या। खाली ग्रेटर देन 0 अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
ठीक है के बाद। तो ठीक है फिर ये इलस्ट्रेशन ठीक है क्या। अब आगे कुछ अलजेब्रा वाले सवाल हम लोग और देखते हैं ठीक है क्या। इनइक्वालिटी सॉल्व करना लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे तरीके से और डिस्कशन किया है वैसे तो ठीक है क्या। अगर किसी को अगर फिर भी अगर डाउट अगर रह जाए तो मेरे को उसमें बता रहा, मैं तुम्हें और इलस्ट्रेशन उस चीज के भेज दूंगा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है करके ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं।